मानव जन्म को किस तरह से बताया गया? श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, 11.14.17 में बताया गया कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। निर्देह माध्यम यानी ये जो मनुष्य देह है उसके द्वारा सुलभम सुदुर्लभम, जो बहुत मुश्किल से पाया जाता है वो भी बहुत ही सरलता से पाया जा सकता है, वो क्या है? वो भगवत धाम है। क्यों? क्योंकि ये जो निर्देह है वो क्या है? प्लव, ये एक नौका की तरह है। नौका का मतलब होता है जो नैया होती है ना, जिसमें बैठ कर हम बहुत सागर को पार करते हैं। तो ये मनुष्य जीवन रूपी एक नौका है और इसमें हम मनुष्य बनकर आ गए, हमारा जो जीव आत्मा है वो इस नौका में बैठ गई है। अब बस दो चीजें चाहिए, एक तो क्योंकि हमको अच्छी तरह से ड्राइव करना नहीं आता है नौका को, तो एक तो उसको चलाने वाला कर्णधार चाहिए जो इस चप्पू को चलाता रहे, और दूसरा क्या चाहिए? वो बहुत ही अच्छी अनुकूल वायु चाहिए जो आसानी से उधर उसको लेके जा सके जहां पर उसका लक्ष्य है। तो गुरु क्या है? प्लवम सकल्पम गुरु कर्णधारम। इस नैया को चलाने वाला जो गुरु है वो कर्णधार है। 11.20.17 उसमें बताया गया पुमान भवादि न परे आत्महा। जो इस नैया को प्राप्त करने के बाद भी यदि गुरु का सहारा लेकर, शास्त्रों का सहारा लेकर इस भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत तक नहीं जाता, भगवत धाम नहीं जाता, तो वो क्या है? न तरिस आत्मा। वो क्या कर रहा है? वो अपनी आत्मा का हनन कर रहा है।